हाँ सी भैया, आपको लड़की नहीं मिली। ये साथ की लड़कियों की यहाँ देखो, कुछ तो शर्म कर लो पहाड़ी भाई। हे राम चाचा, नहीं मिल रही हमारी चाची। हे भगवान, जल्दी दिला दे, 7 साल में 7 बच्चे हो जाते हैं। चाहे बोल, लड़की लड़ती लड़ती। हाँ, नहीं तो एक माँ को होती ज्यादा टेंशन। कितनी मार खाई आज। चलिए जी, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावकड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धमतरी गाँव से। मौसम की बात की जाए तो पूरा नीला आसमान, बाकी सूर्य देव यहाँ पे आ गए हैं और बाकी सूर्य देव भी धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण है ये जो जंगलों में आग लगी हुई है और उससे चारों तरफ धुआं उठ रहा है। आज मैं कहीं भी देखूं तो कहीं भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। सामने देखिए कौनगढ़ गांव, जो कि बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि धुएं की वजह से सारा कौनगढ़ ढक गया है। ठीक चारों तरफ इतना भयंकर धुआं छा रखा है और इससे क्या हो रहा है कि आंखों में भी जलन हो रही है। और यहाँ अगर गौशाला डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर मम्मी लगी है बर्तन धुलने पे और बाकी मधुली और बिंदु आराम से निहार भी खा रहे हैं और धूप भी सेक रहे हैं। हाँ माता श्री, बहू मिल जाती तो उसने धुलने थे बर्तन। अच्छा मिल, हाँ 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 तो माँ जी का बोलने का मतलब कि आजकल बहुबल बर्तन कम धुलती है, माँ ज्यादा धुलती है बर्तन। वाह वाह वाह, उत्तम विचार, ये भी सही है। ठीक है बाबू, मिलना चाहिए बर्तन, हम खुद ही धोता। अरे वाह, तो ठीक है लड़कियों, सुन लो ढंग से, माँ जी का बोलना है कि लड़की मिलनी चाहिए बर्तन, बोले माँ खुद धुल देगी। वाह भाई साहब, इतना ऑफर किसको मिलता है फ्री में। और चौक की बात की जाए तो यहाँ पर शेरू महाराज भी आराम से सो रखे हैं। सामने वाले गाँव की बात की जाए तो वहाँ देखिए भेड़ पालक अपनी भेड़ पगड़ियों को जंगलों में चराने ले जा रहे हैं। आज तो चारों तरफ इतना ज्यादा धुआं छा रखा है कि कैमरे की औकात नहीं उतना दिखाने की, यानी कि कैमरा उसी चीज को फोकस कर रहा है जो थोड़ा बहुत ठीक दिखाई दे रहा है, यानी कि जिसको हम भी देख पा रहे हैं, लेकिन जो दूर की विजिबिलिटी है उसको नहीं पकड़ पा रहा आज कैमरा। वाह भाई, आग तो लगाए लगाए साथ में कैमरे को भी नहीं दिख रहा। वाह। और यहाँ की बात किया है तो हमारी दादी श्री आराम से धूप भी सेक रही है, बाकी माँ जी ने अभी सगोड़े से राई की सब्जी निकाली तो दादी राई की सब्जी को छान रही है। तो देखिए जी, मुझे आज की वीडियो में किसी ने कमेंट किया कि शादी हो गई या सगाई हो गई या लड़की ढूंढना हो गया, ये बोला आपका पर्सनल मामला है तो इसको एकदम बल पब्लिक के सामने रिवील ना करें, जब बल पक्का हो जाएगा तो तब जाके रिवील करना। आपका बोलना भी सही है, लेकिन क्या करूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने पब्लिक को हर चीज बताता रहूं, क्योंकि मैं आज तक जो यहां तक गया हूं तो वो सिर्फ अपने यूट्यूब फैमिली की बदौलत गया हूं, तो मैं उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूं। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे मैं लड़की देखने गया तो लड़की की फोटो एकदम नहीं दिखाऊंगा, या मैं जहाँ जा भी रखा था उनकी भी नहीं दिखाई, क्योंकि भाई वो हमारी नहीं किसी और की प्रॉपर्टी है पहले, तो इसीलिए पहले नहीं दिखानी है। लेकिन हाँ, जब शादी हो जाए उसके बाद तो आपको दिखाता रहूंगा फर्स्ट क्लास की, ये देखो तुम्हारी ये कर रही है ये कर रही है, वो तो सब देखते रहोगे आप। लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ मैं लड़की पसंद करने जाऊंगा वहाँ आपको भी दिखाता रहूंगा, क्योंकि आप लोग भी मुझे एडवाइस देते रहना, और मेरी आदत है यार एकदम ओपन रहने की, पता नहीं फॉर्मेलिटी नहीं हो पाती मुझसे। बाकी अपने अपने हिसाब से हर ब्लॉगर दिखाता है, लेकिन मेरा ऐसा है जो भी है मैं सीधे दिखाऊंगा। रिश्ता होना होगा वो तो नसीब की बात है, बाकी नजर भी लगी तो क्या बात है, अपनी YouTube फैमिली इनकी नजर लग भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं झेल लूंगा, बस अपना प्यार ऐसे देते रहना मुझे, बस और क्या चाहिए, मस्त करके हंसते रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे। सामने ताई जी पूजा कर रही है, तो पहले मैंने सोचा कि डिस्क की पूजा कर रही है, लेकिन बाद में देखा वहाँ तो तुलसी लगा रखी है, तो ताई जी तुलसी की पूजा कर रही है अभी। पहले मैंने सोचा डिस्क की पूजा कर रही ताई जी है, लेकिन वहाँ तुलसी है तो तुलसी की पूजा कर रही है। क्या क्या देखता हूँ मैं। और जहाँ मैं कल लड़की पसंद करने गया वहाँ रिश्ता तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि प्रमोद भाई की बदौलत 5-6 सब्सक्राइबर वहाँ जरूर बन गए, क्योंकि उसने सबके मोबाइल से मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाया। वाह, ये भी सही है साहब, रिश्ता ढूंढने जाओ अगर आप यूट्यूबर हो तो उनकी फैमिली के फोन मांगो और चैनल सब्सक्राइब कराओ, रिश्ता हो ना हो तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हाँ भाई चैनल सब्सक्राइब करवाना आपके हाथ में। और लड़की मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि हमारे घर में एक अंकल जी आए थे तो वो बोल रहे थे कि अनिता की उम्र क्या है, तो हमने बोला अनिता भी 17 साल की है, तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटा नौकरी वाला है, लुधियाना में मकान है, फिर भी लड़की नहीं मिल रही है, तो समझो आप कितनी तंगी हो रही है भाई साहब लड़कियों की, हम तो फिर भी बेरोजगार हैं यार। अंधेरे में तीर मारना पड़ेगा, क्या पता कहीं मिल ही जाए। तो चाय लीजिए, माँ ने गर्मा गर्म चाय बना दी है, तो भाई जब तक बुआरी नहीं तब तक माँ जी चाय बनाती रहेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे ही बुआरी आएगी तो बुआरी से बोला जाएगा कि बस चाय का पतीला बना के रख, चाय पीता रहूंगा मैं दिन भर। हाल तो माँ के हाथ की चाय बढ़िया लग रही भाई। तो देखिए जी, इस जमाने क्या हो रहा है कि किसी को बहू नहीं मिल रही वो भी टेंशन में है, और जिनको मिल रही है उसके बाद भी वो टेंशन में है। एक्चुअली क्या हो रहा है, किसी किसी की बारी किसी किसी पे भारी पड़ रही है, इसीलिए अब रिश्ता म्यूचुअल फंड की तरह हो गया, घाटा भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है, लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, यानी कि लड़की तो ढूंढनी ही पड़ेगी साहब। ये जो गोबर ले जा रहे हैं ये हमारे भाई साहब हैं, इनको लड़की ना समझे, ये जेंट्स है ये भी काम कर रहे हैं भाई। तो कोई कोई बोलता है कि पहाड़ में औरतों से ही काम कराया जाता है, मर्द लोग नहीं करते, तो करते हैं भाई, ये देखिए कर रहे हैं, कर सकते हैं भाई, सरकार ने कोई बैन नहीं कर रखा, जिसका मन कर रहा
काम कर सकते हैं। जब से माँ दुर्गा का नया मंदिर बना है और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से हमने सबको ये वाली झंडी दे रखी है। सबके छत के ऊपर दुर्गा माता की जो प्रतिमा है उसके झंडे बने हुए हैं, वो लगा रखे हैं। और शेरू भी आराम से भाई व्यायाम कर रहा है। तो दिन की 12:15 बज रही है और मैंने मुंह धुल दिया और एकदम फ्रेश होकर तैयार हो गया हूँ। तैयार कहीं जाने का नहीं, थोड़ा गाँव की साइड जाता हूँ, थोड़ा जो ललिता है उसके घर तक जाता हूँ जरा, क्योंकि उसके घर भी कोई आए थे उसकी टीप लेने। तो देखते हैं क्या डील हुई। हाँ जी भाई साहब, क्या बोल रहे हो आज? आलू? अरे वाह, देखिए जी आलू ऐसे बोए जाते हैं, धड़ियां बनाई जाती है, यानी कि नाली का आकार दिया जाता है और हर धड़ियों पे आलू बोए जाते हैं। और जब आलू हो जाते हैं तो उनको बंद रखाते हैं, नहीं? हाँ, ये भी सही है। सामने इस पेड़ पे इतने सारे संतरे लगे हुए हैं, हालांकि दिख तो पके हुए रहे लेकिन ये बहुत खट्टे होते हैं भाई। तो इनको देखिए, एक मुहावरा याद आता है, ऊंची दुकान फीके पकवान, वही वाला सीन है। बढ़िया, ठीक है। कुछ दिन पहले इसी खेत में सबके लिए खाना बनाया जा रहा था और आज देखो आज कैसा दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ पे चांदना लगाई हुई थी, सब लोग यहाँ बैठे रहते थे कुर्सी लगा के, लेकिन आज सुनसान। दिस इज लाइफ, ये जिंदगी है। और सामने देखिए हमारी माँ दुर्गा का मंदिर कितना खूबसूरत चमक रहा है। तो चले फाइनली लेफ्ट हैंड साइड मुड़ते हैं और ये है ललिता का घर। तो यहाँ जैसे ही आया, ललिता तो यहाँ से गायब हो रखी, लेकिन उसकी दीदी ये है यहाँ। ये बाबा हाय, किसने बोला तेरे को हाय कर? हाँ भाई साहब, ये तो 3-3 इंट्रोडक्शन दे रहे भाई है, खतरनाक है भाई लड़की भी। तो ये है ललिता की बड़ी दीदी, यानी कि मेरी क्लासमेट, 2-2 बच्चे लेके चल रही है। यहाँ तो कभी नाना बन रहा हूँ, कभी दादा बन रहा हूँ भाई साहब, कभी बूढ़ा भी बन रहा हूँ। अरे यार, जले पे नमक मत छिड़क यार, तो कसम से यार, आते यार। चलो, अपने नसीब में भी कोई राजकुमारी होगी, देखते हैं। अभी इनकी शादी तो बहुत जल्दी हो गई, उस टाइम तो हम 12th के और ये निपट गए थे यहाँ से, मतलब इंटर क्या 2-3 साल घर में टिकी, उसके बाद घर वालों बोले निकल दो। और इसको गए हुए बहुत साल हो गए यहाँ से, 7 साल में भाई, 7 साल में क्या क्या हो जाता है पागल, 7 साल में 7 बच्चे हो जाते हैं। चल राम, चाचा नहीं मिल रही हमारी चाची? मिलेगी। तो मुझे सब चढ़ा रहे भाई कि लड़की नहीं मिल रही, बोले राम। और जब से मैंने ब्लॉग डाला तब से तो ज्यादा चढ़ा रहे मेरे को और कोई। साथ की लड़कियों की यहाँ देखो, ओ हो भाई साहब, क्या होगा, हे भगवान जल्दी दिला दे, नहीं तो धीरे धीरे ऐसे सुन सुन के मर जाऊंगा मैं। तो चलिए जी, गर्मा गर्म चाय मिल गई है। और ये चाय आज इसने नहीं, ये बनाई बड़े वाली कंपनी ने, यानी कि कृष्णा ने, धन्यवाद कृष्णा। तो इसका ससुराल है मसूरी में, वाह वाह वाह, आजकल मसूरी में बर्फ नहीं गिरी, यही आ रखी। तो ललिता लोगों के घर में आज हमने सोचा कि खटाई बनाते हैं, बाकी माल्टे छील दिए हैं और खटाई बनाने की तैयारी चल रही है। बाकी इसकी बेटी यहाँ जो माल्टे के छिलके वो खा रही, ले इसको भी खा, हाँ छोड़ मत एक भी, ठीक है खाते रहे। बाकी ये है कृष्णा का बड़ा बेटा, तो थोड़ा ये तोतला बोलता है, तो हम चाहते हैं ये शुद्ध बोले। ओए का बोले एक बार का? और ये मेरा काफी अच्छा फैन है, तो मैं चाहता हूँ इसके बारे में आप कुछ एडवाइस दें कि इसका जो तोतलापन है वो कैसे खत्म हो जाए। का बोल? ता। नहीं का, का ता, ता। बोल का, है गा बोल दा। तो ये का को ता बोल रहा है और गा को दा बोल रहा है, फिर बोल गा गा। हे भगवान, क्या होगा? अगर आपके पास कोई उपाय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उस उपाय को जरूर करेंगे। क्या बोलती कृष्णा? इसके बेटे का सवाल है साहब। अब अच्छे खासे बोलने वाले को लड़की नहीं मिल रही, अगर ये बोलेगा कहीं धीरे धीरे इसकी उम्र आएगी तो लोग तो इसको देंगे नहीं है। ये को लड़की को लतड़ी बोलता है। बोल लड़की। अब वो लड़ती है, अब किसे लड़ती, भगवान जाने। बोल लड़की। लड़ती? हाँ, मत लड़ो भाई इसके साथ। तो मैं चाहता हूँ जब तक ये अपने नानी के घर में आ रखा है तो इसका हम कोई उपाय करें जिसे थोड़ा शुद्ध बोलना सीखे। आप लोग कमेंट में जरूर लिखना कि अगर तोतले की कोई दवाई है तो जरूर बताना, या कोई उपाय है, ठीक है? बोलो मुझे दवाई बताए। हाँ बताओ भाई, छोटा बच्चा है और काफी क्यूट है और काफी, हालांकि अभी इसका तोतलापन हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ना लोग इस चीज का मजाक उड़ाते हैं। तो हम चाहते हैं जो भी हमसे उपाय हो हम जल्दी करें, क्यों कृष्णा? हाँ, नहीं तो एक माँ को होती ज्यादा टेंशन। ये तो नहीं वैसे ब्रांड। तो चले जी, मस्त खटाई मिल गई है, अब देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। मस्त स्वाद आ रहा है। तो चले जी, दिन की 2 बज रही है और बाकी खटाई भी खा ली, अब थोड़ा घर की तरफ जाता हूँ क्योंकि वहाँ कोई नहीं है। तो बाकी भाई, हमारे गौशाला से भी धूप चली गई है, तो सूर्यदेव ठीक पहाड़ी के ऊपर है और 5-10 मिनट में धूप ठीक पेड़ के पीछे जाने वाली है। तो अभी जो धुआं है वो पूरी तरीके से साफ हो गया और बाकी चारों तरफ अभी साफ दिखाई दे रहा है। और बाकी जो अभी धुआं है ठीक सामने जो पहाड़ी है वहाँ पे जल रहा है, यानी कि वहाँ अभी भी खतरनाक आग लगी हुई है। तो माँ भी आ गई है पनियारा से सारे कपड़े धुल के। चलिए जी, आंटी भी आ गई, क्या हाल है? खुश रहो, खुश रहो। और अच्छा ये बताओ, कितनी मार खाई आज? सच बता, सच बता, कितने थप्पड़? 3-4 थप्पड़ तो खाए होंगे आज। एक डंडी खाई इसने।
ये भी सही, क्योंकि लेट में गई। यार यार मैंने सोचा इसकी ठीक ठाक पिटाई होने वाली आज, लेकिन बच गया आज भी। आजा 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 आजा, गर्म गर्म चाय, दूसरी बार फिर से पी रहा हूँ चाय। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। बैल कम हो गए हैं, कभी इसके बाल कम होते कभी इसके बैल कम होते हैं, ये भी सही है। अच्छा अनीता, वो जो बिस्किट पे लिखा है उसका नाम पढ़ जरा एक बार। ये है बटन। ए पापा, पका रटा होगा कहीं से? नहीं रटा होगा कहीं से? नहीं तो इसकी इंग्लिश भयंकर है, अगर बटर इसको पढ़ना नहीं आता तो नहीं बुटर पढ़ती बुटर पर आज इसने बटर पढ़ लिया, नहीं तो ये बुटर पढ़ती बुटर। भैया आपको लड़की नहीं मिली? अरे मिल जाएगी, क्यों टेंशन ले रही? तो देखिए जी, इन्होंने मेरा मजाक ही उड़ा दिया है, सब बोल रहे भाई तुझे लड़की नहीं मिल रही, लड़की नहीं मिल रही, हद है यार। ऐसे में कोई मुझे। ए पापा, इसको तो मैं प्यार से चढ़ाता हूँ, खैर इतना मुझे भरोसा है मिल ही जाएगी, अपनी सपनों की राजकुमारी कहाँ होगी जो ठंडा बरसाएगी भैया पे। ए यार मत बोल, बड़ा प्यार दिखा रहे यार अभी। तो देखिए जब जब ये प्यार दिखाते तो मुझे डर लगता है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। क्या मांगना चाह रही तू इस बार? आए मेरा खून मत मांगना। नहीं, कुछ नहीं मांग रही। चलो ठीक है, यानी कि इस बार इसने बिना मतलब बिना निस्वार्थ भाव के आईफोन। हाँ आईफोन भाई साहब, मतलब आईफोन मेरे पास नहीं, ये आईफोन की डिमांड करने लगे। ना 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 नहीं नहीं आपने कहूंगा मैं। मतलब नहीं मिलेगा फोन इसको, आईफोन नहीं मिलेगा साहब। अब सामने देखिए तीन दोस्त मस्त करके घर जा रहे हैं, इन्होंने जो ड्रेस पहन रखी है यह है सरस्वती शिशु मंदिर की, क्योंकि हमने भी कभी उस स्कूल में पढ़ा है और मैं लगभग 2001 से 2005 तक उस स्कूल में पढ़ा हूँ। तो चले जी, माँ जी भी वतर लेके आ गए है जंगलों से, आधे से ज्यादा तो ऐसे गिर गिर के बर्बाद हो जाता है। शाम की 6 बज रही है और अनीता भी चले गई है पानी लेने के लिए पन्यारा, और उसके साथ शेरू भी जा रहा है। और सामने देखिए हमारे गांव का जो माँ दुर्गा का मंदिर है, वहाँ की लाइट भी ऑन हो गई है। तो चले जी, अनीता ने भी धारे से पानी ला दिया है। अरे वीडियो मैं सबको तेरा काम दिखा रहा हूँ, देखो कितनी अच्छी लड़की है, कितना काम करती है, ठीक है? ए बस बहुत एक्टिंग हो गई। चले जी, समय 7:30 बज रही है और बाकी यहाँ पर दादी कर रही है रात का खाना, और सामने दंगल जहाँ पे की संकट मोचन हनुमान चल रहे हैं। वाह दादी अच्छा लग रहा है, चलो बड़े। और बाकी अपनी माँ जी की बात करें तो अपनी माँ तो ब्लॉग देख रही नहीं माँ, चलो सही है सही है सही है सही है। और अगर यहाँ किचन की बात करें तो यहाँ पर अनीता लगी है रात का खाना बनाने पे। हेलो हमारे बन गया, अरे वाह। तो चले जी, अनीता ने भी रात का खाना ला दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज के खाने में है राई की सब्जी और दही, और साथ में गर्मा गर्म रोटी। तो चले जी, खाना भी खा लिया, बाकी मैं भी अब सोने की तैयारी करता हूँ, मेरा बिस्तर लग के एकदम तैयार है, और बाकी मोबाइल मैंने चार्ज लगा रखा है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने पहाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बहुगुणा, मैं नीता भट्ट, मिलते हैं किसी फनीदार वीडियो के मिलते हैं किसी फनीदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय देव, उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।